थोड़ा ही आगे जाना पड़ेगा क्योंकि वो सारे आगे चले गए हैं। अब बाबा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से व्यू स्टार्ट हो गए हैं भाई। वो देखो सामने जो आपको माउंटेन दिख रहे हैं वो वैष्णो माता है, जो करा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जरूर। अगर आप जम्मू से रियासी आपको जाना होगा ना, कम से कम ढाई तीन मतलब ढाई घंटे तो लगते ही लगते हैं, और यहाँ से ना बिल्कुल एक घंटे का रास्ता है। कितना शॉर्टकट है यहाँ से। और पिछली बार मैं जून जुलाई में आया था यहाँ पे, मेरे को याद है भाई। वो पीछे खड़े होके फोन पे बात कर रहा था, आ गया वो आ रहा है, लाल में है ना, लाल में वही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ना अच्छे अच्छे सीनरीज और व्यूज आ रहे हैं। काफी ज्यादा शार्प टर्न्स है यहाँ पे, और जो आप ये लाल मिट्टी देख रहे हो ना, पिछली बारी जब मैं आया था यहाँ पे ना मैं गिरा भी था। मेरी पिछली वीडियो में आपको मतलब ऐड कर दूंगा यहाँ पे, आप देख लेना मेरा गिरने वाला सीन। क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ों की मिट्टी होती है ना वो थोड़ी स्लिपरी हो जाती है जब बारिश होती है, और ऑफ रोड पैच पे तो भाई आप चला ही नहीं सकते भाई। मतलब जैसे ब्लैक आइस पे होता है ना बंदा तो फिसलता ना, वैसे इस लाल मिट्टी में फिसलता बंदा। और आप देख सकते हो कितने शार्प टर्न्स हैं। वो देखो सामने वैष्णो देवी माता जी के वो माउंटेन्स बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। और जो मज़ा मेरे को यहाँ पे आ रहा है ना, सच बता रहा हूँ, बड़ी देर के बाद मैं आया हूँ ऐसे राइड पे। मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका था, मतलब पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मैं आता था ऐसे रोज़ राइड्स पे चले जाना या कभी चले जाना। मैं काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। इतना ब्यूटीफुल है ये जगह यार, ओ माय गॉड यार क्या व्यू है यार। ये देखो गाइस, देखो यार क्या व्यू है यहाँ पे। हम वो वहाँ नीचे से आए हैं, वो देखो ये देखो कितना अच्छा व्यू है। ये देखो यहाँ से बता रहा हूँ इतना अल्टीमेट व्यू है ना दोस्तों, इतना अल्टीमेट व्यू है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसे लग रहा है कि आगे पीछे पानी है और बीच में एक आइलैंड है। वो देखो जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं वो पूरा आइलैंड लग रहा है, और यहाँ पे सिर्फ पानी पानी है। ये देखो, और यहाँ पे हमारा फोटो शूट हो रहा है अभी, आप देख सकते हो। और गाइस साथ ग्रुप राइडिंग में अलग ही मजा आता है। मेरे को भी लाना पानी यार, मैं तो टांगों में जाएगा और फिर टांगों में रहेगा। साथ में इसकी तार निकल गई इसकी मीटर की, कल इसका काम कराना है यार। बड़े टाइम के बाद मैं घर से निकला हूँ ना इसको लेके, इसका काम कराने वाला है। रियासी में पहले हम जाएंगे सियाड़ बाबा, उसके आगे जाके डैम आती है वहाँ पे भी चलेंगे, और आपको ऊपर से टॉप का व्यू दिखाएंगे, काफ़ी सुंदर व्यू आता है। यहाँ पे एक पुराना पुल है, ये देखो कितना पुराना है, लोहे वाला पुल, और ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। मेन असल यहाँ पे ये है कि टर्न एंड जो यहाँ पे टर्न्स है ना वहाँ पे मज़ा ही कुछ और है बाइक चलाने का यार। सीधे रोड पे तो सभी चलाते हैं, और अभी देखो 1:11 हो चुके हैं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, 1:11 हो गए हैं, 12 मिनट हो गए। ये देखो जो मिट्टी है ना ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, और ऊपर से जो पत्थर गिरे हैं यहाँ पे ग्रेवल, उदय पीछे रह गया है, वो आया नहीं अभी आगे, और वो भी आ गया, दोनों आ गए हैं। चलो ऑफ रोड पैच आएगा दिन नीचे,
रियासी इधर जाता ना, इधर थल्ले हाँ इधर आहो। ओके भैया ये ऑफ रोड बैच, यहाँ से जाना सीधा। और गाइस ये पूरा ऑफ रोड पैच कोई आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर का है यहाँ से। पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे तो मैं गिर गया था, जहाँ पे वो ट्रैक्टर है ना वहाँ पे क्या था कि पानी भर गया था, बारिश हो रही थी तो तब मैं स्लिप हो गया था। मैं वीडियो वहाँ पे मेंशन कर दूंगा इस वाली में। चलो भाई बुलेट तो बने इन चीज़ों के लिए, इसको जहाँ मर्जी चले उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे। बस थोड़ा सा बचा वो पहाड़ दिख रहा है सामने, उस पहाड़ के आगे जाके रोड आ जाएगा भाई। इधर मजा पता क्या है कि यहाँ पे पैंचो ना एडवेंचर है, सीधे रोड पे तो सारे बाइक चला लेते हैं भाई। आगे जगह पे मैं यहाँ पे गिरा था, और अभी हम अफगानिस्तान रेगिस्तान में पहुंच गए। आप देख सकते हो सारी जगह सैंड ड्यून्स हैं। अल्टीमेट व्यू है वो देखो, जो हम मैंने ऊपर खींचा था फोटो वो यही वाला है, ये वाली जगह है। भाई नहाने का मन कर रहा है मेरा भी, दो बच्चे नहा रहे हैं दोस्तों वो देखो सामने, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं सभी बाइक्स, कितनी अच्छी लग रही हैं गाइस ये देखो। और ये यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। और देखो यार ये सामने कितना अच्छा लग रहा है, ये दो रिवर्स हैं गाइस। मैं आपको जो ऊपर से हमने जहाँ से फोटो खींचा था ये वही व्यू है, और ये देखो ये बीच में आइलैंड और ये सामने ये देखो पानी, ये दोनों मिल रहे हैं। वो ऊपर से वहाँ थे हम जब फोटो हमने खिंचाया था। दैट्स व्हाई रियासी इज सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ना चीज़ ख़त्म नहीं होती है, अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ तो मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट से अल्टीमेट व्यू होगा जो आप देखने वाले हो। धूल वगैरह ख़त्म हो गई है, जो मेन रास्ता कनेक्टेड होता था यहाँ से वहाँ पे आगे चुके हम। इनको रुको, हेलो ओए अंदर चलो, यहाँ सियाड बाबा यहाँ पे है, सियाड बाबा उधर चलो भाई। डैम जो सियाड बाबा है ना सही, ये कट रहा जाता रास्ता, ये इतना सही व्यू है ना देखेगा पागल हो जाएगा। ये शायद पहली बार आए हैं यहाँ पे, इनको पता नहीं है। ये देखो भाई जन्नत जन्नत से आ गए हम स्विट्जरलैंड। ठीक है आगे आके रुकना। ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे,
मैं पता क्या चीज़ बोल रहा था, जहाँ पे बाइकर नहीं खड़े थे, बाइकर खड़े थे उधर एक फोटो खिंचाते हैं, बूमरैंग बनाते हैं, बड़ा सही फोटो आएगा। वैसे चलो आते वक्त देखते हैं, यह ये सियाड़ बाबा है भाई। यहाँ से रास्ता जब निकलता है ना, वो सीधा आगे कटरा जाके निकलता है मेन रोड, फिर वापस नहीं जाएंगे यहाँ से, फिर सीधा निकल जाएंगे। सुन मेरी बात, जहाँ डैम आएगी ना, डैम के ऊपर चढ़ाई आएगी, बड़ी सी पॉइंट है, पहले एक अंदर जाके ना ऐसे व्यू कवर कर लेते हैं। आयो तो गाइस, दिस इज सियाड़ बाबा। मैं पहले भी आया हूँ, ये आपको दिख रहा होगा वाटरफॉल। यहाँ से मैं लिंक मेंशन कर दूंगा उस वीडियो का जिसमें मैं पहले आया था यहाँ पे। एक्चुअली एक बार यहाँ से ऊपर से ना पहाड़ गिरा था और यहाँ पे कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी, तो दैट्स व्हाई मेरे को पता है इसके बारे में। जहाँ पीछे बंदे खड़े थे ना, जाएंगे बैटरी कितनी बैटरी भाई, 39 बची है अभी। और गाइस भाई नीचे जाके कोई फायदा नहीं है भाई, फायदा यहाँ पे। और आपको पता है यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, वो जो ऊपर से पत्थर गिरे थे, बंदे मर गए थे, मने ना वहाँ पे, हाँ बड़ी पहले का हुआ पता है, वहाँ बंद किया वो, वहाँ पे पहले वहाँ पे जाते थे लोग। आजकल ये नीचे देखो, यहाँ पे बड़े सारे लोग नहा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और भाई मेरी बैटरी रही है 39%, आगे वाले व्यूज मैंने कवर करने हैं, तो अभी मैं वीडियो यहाँ पे थोड़ी सी रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको आगे जो है जगह वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे शूट करता रहूँगा तो मिलेगी ही नहीं।